कसौली में हुए गोलीकांड के बाद सोलन शहर में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद एक महिला अधिकारी की हत्या होने से जहां क्षेत्र दहशत में दिख रहा है, वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट भी पूरी तरह से घबरा चुके हैं, जिसके चलते आरटीआई एक्टिविस्ट प्रेम सिंह ने पत्रकार वार्ता कर इस घटना की गंभीरता पर चिंता जताई और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कई बार उन्हें मारने की धमकी तक मिल चुकी है और अब अधिकारियों पर हुए हमले से वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रेम सिंह ने इस मौके पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए एक महिला अधिकारी अपनी जान से हाथ धो बैठी और जब ये घटना घटी तो मौके पर पूरा जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद थे और सभी के समक्ष होटल व्यवसायी ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जब जिला प्रशासन और पुलिस के समक्ष ये घटना घटती है तो ये घटना कभी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाले आरटीआई एक्टिविस्टों के खिलाफ भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आए दिन सोलन में इस तरह के असामाजिक तत्व दहशत फैलाने में लगे हैं और पुलिस उन पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है, जिसके चलते आरटीआई एक्टिविस्ट अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस पर प्रदेश सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि प्रदेश में बढ़ते दहशत के माहौल पर नियंत्रण पाया जा सके। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते पिछले 10 वर्षों से निरंतर अवैध निर्माणों अतिक्रमणों के बारे में आवाज उठाता आ रहा हूँ, जिसमें अनेकों बार मुझे धमकियां भी मिली है और मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से निरंतर कई वर्षों से गुहार लगाता आ रहा हूँ कि मुझे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इस जनहित के कार्य करते हुए मुझे निरंतर जान माल का खतरा बना रहता है। अनेकों बार मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं और धमकियां मिल चुकी हैं। सरकारी अधिकारियों की ही इस समाज में सुरक्षा नहीं है तो एक आम आदमी की सुरक्षा कहाँ होगी। कल की घटना को देखते हुए मुझे भी अपनी जान माल का खतरा स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा है और मेरे को घर से निकलना भी डर लग रहा है, मैं काम पर कैसे जाऊं। और समाज में अवैध निर्माणों और अनैतिक कृत्यों के खिलाफ जो मैं आवाज उठाता आ रहा हूं, इस पर मुझे कार्य करते हुए खतरा महसूस हो रहा है।